अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज शुरू करने वाली हूँ अपना व्लॉग। मॉर्निंग से मैंने शहरी में व्लॉग शूट नहीं किया है, तो मैंने सुबह से शूट किया है और अब बज रहे थे सुबह के 11। और मैं अपने लिए कुछ जीन्स खरीद के लाई थी, तो उन्हीं को मैं स्टिच कर रही थी। एक बार जीन्स पे फिर से सिलाई लगा रही थी, क्योंकि बाज़ार से जो सिलाई वगैरह आती हैं वो बहुत कमज़ोर रहती हैं, जल्दी निकल जाती हैं। और ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है एक, जो ये भी मैं ख़रीद कर लाई थी, बट ये थोड़ी लूज़ रह गई है उनको, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है। इसको मैं हल्का सा फिटिंग दूंगी और इसको मैं शेप में कर रही हूँ थोड़ा सा। और तो मैंने इनकी टी शर्ट इस पे रखी है और उसी का सेम साइज़ मैंने इस पे सिलाई लगा रही हूँ मैं इसको, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने इसी को ठीक किया है, कोशिश किया है इसे ठीक करने की। बाकी ये अच्छी लग रही थी, फिर फिट हो गई थी ये, क्योंकि इस टी शर्ट में छोटा साइज़ नहीं मिला था मुझे। मैं सुबह में पहले ये काम लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि थोड़े से और भी मेरे काम थे, जो मुझे लोवर वगैरह या एक दो काम और छोटे छोटे थे जो मैंने किए थे। और ये मशीन को मैंने एक साइड पर रख दिया है, और क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और उसके बाद मैंने नहा लिया था, और उसके बाद शाम में बच्चे भी आए थे 3 बजे ट्यूशन के लिए, और फिर सीधा ही मैंने शाम का शूट किया है। इफ्तियार का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीधा अब। और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और मैं बनाने लगी हूँ घिया गोश्त, और मैंने सब्ज़ी रख दी है बनाने के लिए, गोश्त को मैंने रख दिया है पकने के लिए। और उसके बाद मैं छानने लगी हूँ आटा, और उसके बाद में मैं आटा गूंद लूँगी नीचे बैठकर, जैसे कि मैं गूंदती हूँ। और उधर साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी भी बनती रहेगी। मैंने कुकर को बंद कर दिया है और गैस को फुल कर लिया था, और सब्ज़ी को चढ़ा दिया था मैंने पकने के लिए। और ये मेरा आटा गूंदकर रेडी हो गया है, और इसको मैंने एक डब्बे में रख लिया है, ताकि मुझे शहरी में भी यूज़ में आए। मैंने अपना आटा गूंदकर रख लेती हूँ अभी शाम के टाइम। और यहाँ से मैंने मॉप लगा लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसके बाद में मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ बाहर से, वॉश बेसिन से। और अभी कुछ बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं, और ये लौकी को मैं कट करने लगी हूँ। जो कि मुझे गोश्त में डालना था, और ये मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं, और मुझे इस तरह के ही पीसेस पसंद है, बड़े बड़े कट करके लौकी के डालने गोश्त में। आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी डाल सकते हैं, बट मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, थोड़े मोटे मोटे पीसेस कट करके। और ये मैं साथ साथ इफ्तारी की तैयारी भी करने लगी हूँ, और अभी इफ्तारी में टाइम था, तो मैंने केले को कट नहीं किया है, वरना काले पड़ जाते हैं, अभी मैंने उन्हें ऐसे ही रखा है। और ये मैं साथ ही साथ हरा धनिया भी चॉप करने लगी हूँ, इसको भी एक साइड पर रख दूँगी। चॉपिंग का काम मैं फिनिश करते जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि गोश्त गला है या नहीं, और गोश्त गल चुका था, तो मैंने थोड़ी देर इसको लो फ्लेम पर भूनने के बाद में फिर इसमें मैंने लौकी ऐड कर दिया था, और फिर से इसे प्रेशर कुक कर रही थी, फिर से इसमें मैंने बंद करके इसको रख दिया था कुकर को, और एक साइड पर मैंने ऑयल चढ़ा लिया था पकौड़ी के लिए। और ये बैटर मेरा कल का बचा हुआ था, जिसको मैंने रैप करके रखा था अच्छे से, तो उसी की मैं पकौड़ियाँ फ्राई करने लगी हूँ।
और काफ़ी सारा बैटर मेरा बच गया था आज के लिए, मुझे आराम से वो पूरा हो गया था, तो मैंने उसी की पकौड़ियाँ बनाई हैं। और 5 बजे जैसे कि ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी होती है और उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह करते करते मुझे 5:30 बज जाते हैं, और 5:30 बजे से मैं लगती हूँ कुकिंग के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी करके अपना काम फिनिश करना पड़ता है। 1 घंटा मेरे पास रहता है सिर्फ। तो और मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए थे साइट से, तो वो भी गए हुए थे, तो अभी जल्दी जल्दी मैं काम फिनिश कर रही हूँ। थोड़ा अगर वो होते हैं आ जाते हैं जल्दी, तो थोड़ा चॉपिंग वगैरह में या फ्रूट्स वगैरह कट करने में वो थोड़ी मेरी हेल्प करा देते हैं, बट अभी मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम करने थे, और फ्रूट्स भी मैंने थोड़े से कट करके रख दिए थे। और कचरी वगैरह आज मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, और ये मैंने पकौड़ियाँ ही बनाई हैं। और ये थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था, तो मैं अपने बेटे को सुबह ब्रेड पकोड़े बनाकर दूंगी। इस बेसन को मैं यूज़ करूंगी इस तरह से, और ये मैं कुकर की सीटी निकाल लूंगी, और उसके बाद मेरी पकौड़ियाँ हो गई हैं रेडी। और इसमें मैंने डाल लिया है हरा धनिया, और इसको मैं थोड़ी देर रख दूंगी, तो इसमें थोड़ा सा रोगन आ जाएगा। अभी मैंने कुकर खोला है इसलिए उसमें तरी नहीं आई है, रोगन नहीं आया है अभी। और ये मेरे छोले जो कि 1 कटोरी कल बच गए थे वो ही हैं, और उनको मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद मैं आटे को रेस्ट करते हुए भी हो गए थे मिनिमम 15 से 20 मिनट, तो उसके बाद मैं रोटियां भी मैं बना लूँगी साथ में, क्योंकि मुझे फिर ये सब काम करने के बाद में गैस भी क्लीन करना होता है रोज़ा इफ्तार से पहले ही, और फिर मेरा काम बचता है सिर्फ बर्तन का। और सारी डिशेज जो भी बनाई हैं या कोई चीज़ सालन वगैरह को छोटे बर्तन में करके करने का, ये सब काम मेरा रह जाता है, और बाकी मैं सारे काम फिनिश कर देती हूँ। और गैस वगैरह को भी मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर लेती हूँ। और आज मैंने शरबत बना के रख दिया था रोज़ वाला, बट मेरे हस्बैंड अभी आ गए थे, उन्होंने बोला था कि दही की लस्सी बनाई है क्या, तो मैंने दही जमा रखी थी घर में ही, तो मैंने जल्दी से फटाफट से दही की लस्सी भी बना दी, और हाफ ट्रे आइस क्यूब की मैंने रोज़ वाले शरबत में ऐड की थी, और आधा जो ट्रे बच गई थी आइस क्यूब की वो मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है, और ये मैंने दही की लस्सी बना ली है, और उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। थोड़ा सा टाइम बच रहा था अभी, ताकि उसमें जो मैंने बर्फ़ डाली है आइस क्यूब्स डाली थी कूट कर वो मेल्ट ना हो ज़्यादा, वरना लस्सी पतली हो जाती है। और जैसे कि अब थोड़ा टाइम बचा था तो मैं बनाना को भी कट कर लूँगी, बनाना भी मैंने कट कर लिए हैं क्योंकि अब काले नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम इतना था नहीं। और ये मेरा बेटा, जहाँ पकौड़ी वहाँ मेरा बेटा और ये अब मैंने दस्तरखान लगा दिया है अंदर, और मैं ये ले जाने लगी हूँ इफ्तारी का सामान रूम में, और मेरा बेटा थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहा था मेरी। और ये मैंने लस्सी को निकाल लिया है बाहर फ्रिज से, और उसको भी मैं रखने के लिए चली गई हूँ, और ग्लासेस वगैरह भी मैं लेकर गई हूँ। और अब हो चुका था हमारा रोज़े का टाइम, और ये पानी वगैरह मैंने ले लिया है, और ये हमारी तैयारी, ये पिंक वाला हमने रोज़ शरबत भी बनाया था और लस्सी भी बनाई थी, और ये कुछ फ्रूट्स कट किए थे और पकौड़ी वगैरह, और सिंपल सा हमारा इफ्तार था। आ जाइए आप सब भी इफ्तार कर लीजिए।
और ये इसमें मैंने डाले थे चिया सीड्स। और मगरिब का टाइम हो चुका था और मेरे पास कपड़े रखे हुए थे इतने सारे प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, और जो कि मैंने आधे प्रेस कर चुकी थी मैं मॉर्निंग में, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था बीच में, तो मैंने थोड़े से कपड़े को आयरन करके रख दिया था। और जितने भी बचे थे, फिर मैं मगरिब की नमाज़ के बाद फिर से लग गई थी इस काम को फिनिश करने के लिए। और ये मैं करने लगी हूँ आयरन कपड़ों को, जो कि मैंने बताया था काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे। और फिर नहीं करो तो फिर और भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ कपड़े आज मैंने अलग भी निकाले थे जो नहीं पहनने थे, और वो उनको मैंने अलग करके रखा है, तो काफ़ी सारा टाइम मेरा लगने वाला था। तो मैंने सोचा अभी इस काम को ख़त्म कर लेती हूँ, फिर ईशा का टाइम हो जाता है तो पारा वगैरह भी पढ़ना होता है, तो और उस बीच में रात में मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो टाइम फिर नहीं मिलता है। तो ये टाइम था मेरे पास इस काम को फिनिश करने के लिए, वरना तो फिर ये काम भी पेंडिंग रह जाता कल के लिए। इसलिए मैं इन सभी कपड़ों को अभी के अभी आयरन कर दूंगी। और खड़े होकर मैं इसलिए कर रही थी ताकि खड़े होकर जब कोई काम करते हैं तो जल्दी जल्दी स्पीड से काम हो जाता है, और अगर बैठ के मैं आराम से फारिग होके करूँगी तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा खड़े होके जल्दी जल्दी से काम हो जाता है एकदम स्पीड से, तो मैं इसलिए खड़े होके ही आयरन कर रही हूँ आज, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था आज। फिर अजान होने वाली थी ईशा की, और ये मेरे बेटे की शरारतें चल रही हैं यहीं पर, वो खेल रहा था अपने टॉयज के साथ। ये देखें, इसलिए मैं आयरन उससे थोड़ा दूर रख के गई थी। ये बच्चों की शैतानियाँ चलती रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, कम नहीं होती हैं इनकी शैतानियाँ। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ, मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे, शायद मैं कोई काम के लिए चली गई थी बीच में। ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े होने वाले हैं फिनिश, और मैंने कुछ कपड़े अपने निकाले भी हैं किसी को देने के लिए। रमज़ान वगैरह में आते भी हैं कुछ लोग कपड़ों के लिए, जिन्हें ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों को अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हैं तो देने चाहिए सभी को। तो मैंने कुछ कपड़े निकाले थे देने के लिए, और सभी कपड़ों को सेट भी किया था बाद में, फिर आयरन करने के बाद में। और फिर उसके बाद मैंने नमाज वगैरह अदा की थी। और पारा भी नहीं ज़्यादा पड़ा जा रहा है आजकल, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कपड़े वगैरह धोने या आयरन करने। ये देखें कितने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे जिनको मैंने आयरन किया है, और जिसमें से कि मैंने बहुत सारे कपड़े थोड़े अलग निकाले भी हैं। और रमज़ान में ऐसा होता है कि हम जॉर्जेट वगैरह के शिफॉन के दुपट्टे नहीं पहन पाते हैं, तो मेरे दुपट्टे इधर उधर हो रहे थे, सेट नहीं थे एक साथ, तो मैं उन्हें सेट करके रख रही थी सूट के साथ, मैच कर करके जल्दी से दुपट्टे एक साथ रख रही थी। तो सभी दुपट्टे वगैरह और सूट्स को मैं सेट करके रख दूंगी, और ये दो लेगी मेरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी उनको भी मैंने निकाल के एक साइड पे रखा है, ताकि मैं भूलूँ नहीं रख के, कि नीचे दब जाती हैं तो फिर याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने उन्हें भी निकाल कर थोड़ा बाहर रखा है, ऊपर रखा है ऊपर की साइड, ताकि मुझे इजीली मिल जाएं। और ये कुछ कॉटन के दुपट्टे मैंने अलग करके रखे हैं,
जो नमाज़ वगैरह में काफ़ी अच्छे रहते हैं, शिफॉन वगैरह के दुपट्टे नहीं ओढ़े जाते हैं और काम भी नहीं किया जाता है उन्हें पहनकर। और ये मैं दस्तरखान वगैरह को अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी, और ये मैं बेड को एक बार फिर से सेट कर लूँगी, और जो ये मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं देने के लिए वो मैं बेड में डाल दूँगी, और जब मुझे देने होंगे तब कोई आएंगे तब मैं निकाल कर दे दूँगी उन्हें। और ये मैं अपने बेटे के लिए एक सर्दी के लिए जैकेट लाई थी, और ये मैं उसकी यूनिफॉर्म लेकर आई हूँ वाइट, जो कि सैटरडे और वेडनेसडे में उसको पहनानी होती है। और ये एक मैं अपने हस्बैंड के लिए जीन्स लेकर आई थी, और एक ये टी शर्ट जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, डिफरेंट सा इसका कलर था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये एक टी शर्ट लेकर आई हूँ मैं, ये लूज सी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी टी शर्ट थी ये, और इसी में की सेम ये टी शर्ट है मेरी जो मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले। और ये चल रही है मेरे बेटे की नाइट टाइम पार्टी, जो कि ऐसा था कि कुछ इन्होंने थोड़ा ऐसा हो जाता है आजकल, हैवी खाना हो रहा है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग सभी, तो थोड़ी एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा लिम्का वाली कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे और उसी को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करते हैं, नहीं पीते हैं, घर की ड्रिंक्स बनाकर पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। When?